तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, वर्क आएगा ना। ठीक है, हाँ मान लो एक फोर्स है हमारे पास कैपिटल एफ। ठीक, हाँ ये कैपिटल एफ क्रॉस ये फोर्स है, एक किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल का वो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। लेट से दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डी आर। ओके, हाँ तो छोटा सा वर्क डन क्या होगा, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी कितना, ये डब्ल्यू एफ डॉट डी हाँ आर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? नहीं अच्छा, लेकिन ये जो है ये बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, दिस इज फॉर एन इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना, एफ डॉट डी आर। हाँ अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल नहीं है, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, हाँ द डिस्प्लेसमेंट इज फाइनाइट, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्क्स को ऐड करेंगे। ऐड हाँ करेंगे मतलब क्या करेंगे, मतलब ऐसे कितने कितने छोटे छोटे वर्क्स होंगे ऐसे। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। मैंने एक इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाला फॉर एन इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ मुझे निकालना है टोटल वर्क, तो मैं ऐसे सारे छोटे 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 जितने भी वर्क्स हैं सबको ऐड करूंगा। हाँ ऐड करूंगा मतलब क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको उससे नहीं मल्टीप्लाई कर ऐड देंगे। करूंगा मतलब इंटीग्रेट करूंगा, समझे, नहीं समझे। हाँ, थोड़ा बहुत समझो। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज जस्ट एडिशन ना। हाँ इंटीग्रेशन पढ़ा है तुमने? बहुत थोड़ा हाँ, थोड़ा ही चाहिए अपने को, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब जो भी छोटे छोटे वर्क्स हैं उन सबको ऐड करूंगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इनफाइनाइट होंगे ना। हाँ नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट क्यों होंगे ये बता सकते हो, क्योंकि जो क्योंकि हमारा एकदम छोटे छोटे ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल है, हाँ तो अगर मुझे एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स हो जाएंगे ना, हाँ है ना। हाँ इसलिए ये मुझे जब फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालना हो तो छोटे छोटे वर्क्स को ऐड करूंगा। ऐड करूंगा मतलब इंटीग्रेट करूंगा। ठीक, तो हाँ इंटीग्रेट करूंगा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, आर इनिशियल दिख रहा है, ये लोअर लिमिट, हाँ ये इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट है, हाँ मतलब आर इनिशियल मतलब मेरा इनिशियल पोजीशन, और पोजीशन ऊपर में क्या वेक्टर दिख रहा फाइनल पोजीशन आर वेक्टर फाइनल, यस दैट इज माय फाइनल पोजीशन। ठीक, चलो समझ हाँ गए, इनिशियल हाँ पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो छोटे छोटे वर्क्स को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया मतलब इंटीग्रेट कर दिया। ओके, हाँ चलो, अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर फोर्स हुआ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो कांस्टेंट चीज को ना हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, पता है ये चीज, बाहर ले लेंगे हाँ एफ बाहर आ गया, देखो देखो हाँ इंटीग्रेशन के बाहर आ गया एफ। ठीक, हाँ अंदर क्या बचा, डी आर। डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता आर है, आर, आर बचा, लोअर लिमिट क्या आया, आर आई, अपर लिमिट क्या, आर एफ। आर फाइनल अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा मैं, समझ गए, एफ डॉट, हाँ इसमें इस फंक्शन में ये जो आर है इसमें मैं अपर लिमिट डालूंगा, दिख रहा है, फिर हाँ लोअर लिमिट डालूंगा और माइनस कर दूंगा, कोई दिक्कत इसमें, नहीं बोलो, हाँ समझ गया गुड।
तो एफ डॉट डेल्टा आर भी लिखते हैं ना इसको, हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब फोर्स कांस्टेंट है। यस, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं तो तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ गए? हाँ कि नहीं? समझ गया। गुड, तो वर्क डन कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है। स्केलर उसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल। जूल, 1 joule is 1 newton meter, ठीक है? हाँ। And work done यहाँ से क्या आएगा? F delta R cos theta आएगा, dot product, है ना? हाँ, हाँ। Where theta is the angle between F and delta R, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। Work done negative हो सकता है क्या? हाँ, जब theta 90 से greater हो जाए। Yes, obtuse अगर होगा तो work done negative होगा। Acute angle gives positive work, obtuse angle gives negative work. Negative work, ठीक है? कोई परेशानी इसमें? नहीं। ओके, तो ये देखो F है, ये डेल्टा आ रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है? हाँ। This is my F, this is my डेल्टा R, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। मुझे क्या चाहिए? F डेल्टा R cos थीटा चाहिए ना, तो F cos थीटा को एक साथ ले लो। हाँ, तो सेम इसमें आ रहे, सेम लाइन में। F cos थीटा एंड डेल्टा R, ठीक है? तो वर्क डन हमारा क्या होता है? F cos थीटा into डेल्टा R, अभी देखा था हमने ऊपर। हाँ। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, F डेल्टा R cos थीटा को F cos थीटा एक साथ ले लेते हैं और डेल्टा R एक साथ ले लेते हैं, ठीक है? चलेगा? हाँ। That is equal to, ये क्या है? F cos theta क्या है? Force in the direction of displacement है क्या? Displacement. तो? है? हाँ. Multiplied by displacement. कोई दिक्कत इसमें? नहीं. ठीक है? हाँ. चलो, दूसरा तरीका क्या है एक्सप्रेस करने का? ये F है. हाँ, delta R cos theta उसके डायरेक्शन में ले लेंगे. डेल्टा आर का कंपोनेंट ले लिया, तो इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी चलेगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। कोई परेशानी? नहीं। तो दो तरीके हैं वर्क को एक्सप्रेस करने के, ठीक है? हाँ। या तो तुम फोर्स को रिजॉल्व कर लो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स केस में रिजॉल्व कर लेंगे। यस, और मल्टीप्लाई करते हैं। चलेगा? क्या चलेगा? हाँ हाँ। ओके, चलो अब आता है एक थ्योरम, मेन थ्योरम जो है पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देके समझना इसको, ठीक है? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम, ठीक, इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक। ये ध्यान रखना, दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली, सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल द फोर्सेस है, ये खाली एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, अंदर के भी, इंटरनल भी, सिस्टम के अंदर काम करने वाले जो फोर्सेस हैं उनका भी वर्क लिया जाएगा, ठीक। हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग, कूल। चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एमवी स्क्वायर, ये तो पता होगा तुमको। हाँ हाँ। एम मास है, वी स्पीड है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। चलो देखते हैं, ये एक इंक्लाइन दिख रहा है तुमको? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। हाँ। हाइट h है? है है। ओके, तो इसको ना टॉप से छोड़ दिया, इंक्लाइन जो है वो स्मूथ है, कोई कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे छोड़ दिया इसको, ये जाएगा नीचे। हाँ हाँ, है ना? ऐसे भी मान लो ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, ठीक। तो एक काम करते हैं, ग्रेविटी का वर्क निकालते हैं इसको, ठीक है? हाँ। तो ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है जरा इस पे बताओ तो। जी साइन थीटा। नहीं, ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है?
नीचे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है पर मास को अलोंग द इंक्लाइन नीचे लेके जाएगा। हाँ ठीक है। तो ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इज कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है ना, ये देखो कांस्टेंट है एमजी नीचे। हाँ एमजी और डेल्टा आर के बीच में कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा। तो एमजी डेल्टा आर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एमजी डेल्टा आर साइन थीटा। अब इस पे फोकस करो, डेल्टा आर साइन थीटा पे, ठीक। डेल्टा आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, एमजी एच हो जाएगा क्या, देखो तो ये ट्रायंगल से डेल्टा आर से। हाँ है ना, हाँ तो एम जी एच हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आया, एम जी एच, एम जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। हां एम जी, नहीं अभी उसमें मत जाओ, अभी पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन नहीं हुआ, रुक जाओ ठीक। हां थोड़ा पेशेंस रखो। तो वर्क डन क्या आया, एम जी एच, कूल। इससे अच्छा हम सीधा डायरेक्टली ये भी कंसीडर कर सकते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू, हां फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना है, mg कितना, sin थीटा। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना है, hh, h है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो mg इनटू क्या हो गया, h। आया समझ में, नहीं समझे, हाँ बोलो, समझ गया है ना। हाँ समझ गया समझ गया। चलो अब एक आता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक। हाँ तुमको पता है ना हर स्प्रिंग का अपना एक नेचुरल लेंथ होता है। हाँ मालूम है, एवरी स्प्रिंग हैज इट्स नेचुरल लेंथ, पता है ना ये। हाँ हाँ अच्छा, तो नेचुरल लेंथ पे अगर स्प्रिंग रहता है तो कितना फोर्स एग्जर्ट करता है एंड्स पे, कुछ भी नहीं, के एक्स सुना है ना, नहीं नहीं, नेचुरल लेंथ पे अगर स्प्रिंग है तो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा अपने नेचुरल लेंथ पे, तो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा है ना, ये तो नेचुरल लेंथ पे कुछ भी नहीं करेगा। थोड़ा सा मैं उसको डिस्टर्ब करूंगा तब वो फोर्स एग्जर्ट करना शुरू करता है ना। हाँ अच्छा, तो जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये पोजीशन दिख रहा है तुमको ए, हाँ और ये पोजीशन दिख रहा तुमको बी, हाँ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एक्स नॉट, दिख रहा है, हाँ हाँ। अच्छा तो मुझे निकालना है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन टेकिंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी, स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया। हाँ ठीक, चलो कैसे अप्रोच करेंगे इसको बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। स्प्रिंग फोर्स पता है ना के एक्स होता है, स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ढूंढना वर्क डन बाय स्प्रिंग ना। हां वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जितना फोर्स करेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो अपन बाद में देखेंगे, पहले तुम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालो फ्रॉम ए टू बी। स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स, ध्यान रहे एक्स इज द इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द स्प्रिंग। सर मेरा नेट चला गया था, आप फिर से बोल सकते हो जो अभी बोला। मैं बोल रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स, हाँ ठीक है, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंड ऑफ द स्प्रिंग, मतलब बेसिकली एक्स क्या है, एक्स इज द इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द स्प्रिंग, ठीक है। हाँ के बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है, वो हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, ठीक। हाँ चलो बनाओ, और स्प्रिंग फोर्स हमेशा अगर एक्सटेंड करोगे तो अंदर लगेगा और कंप्रेस करोगे स्प्रिंग को तो बाहर की तरफ लगता, पता नहीं इस चीज। हाँ चलो बताओ, कोशिश करो।
नहीं पता कैसे करेंगे। अच्छा चलो एक काम करते हैं। अच्छा ए से बी तक ले जाने में स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा, पहले ये बताओ। अगर रफ रहेगा तो चेंज करता रहेगा, नहीं तो नहीं, रफ की बात नहीं हो रही है, रफ स्मूथ की बात ही नहीं हो रही है। तुम स्प्रिंग फोर्स का नेचर देखो, क्या बोल रहा है स्प्रिंग फोर्स, के इंटू एक्स बोल रहा है ना। हाँ तो सेम सेम मतलब X? जैसे जैसे लेते जाएंगे ना, हाँ जैसे जैसे और अगर हम माने कि अगर सेम डिस्प्लेसमेंट लिया एक्स तो फोर्स सेम रहेगा। नहीं एक्स जो है, एक्स कहाँ से मेजर होता है, हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर होता है, ये ध्यान रखो ठीक है। एक्स इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम कहाँ से, नेचुरल लेंथ। तो जैसे जैसे मेरा स्प्रिंग इलोंगेट होता जा रहा है वैसे वैसे मेरा एक्स चेंज हो रहा है। हाँ हो रहा है, हाँ मानते हो। हाँ तो एक्स मेरा चेंज हो रहा है, इसका मतलब मेरा स्प्रिंग फोर्स भी चेंज हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो एक्स पे डिपेंडेंट है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि अगर हम एक नेचुरल से एक्स नॉट में अगर उसको सेम एक्स में डिवाइड करें तो उतना ट्रैवल करने में वो सेम वर्क डन रहेगा या फोर्स रहेगा। फोर्स मैं समझा नहीं, जैसे एक्स नॉट है उसको हमने एन एक्स इसमें चेंज कर दिया, एन एक्स पार्ट्स में ब्रेक कर दिया उसको। बट एन एक्स पार्ट्स में भी तो फिर उन एन एन एक्स पार्ट्स में, उन एन पार्ट्स में भी तो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट एक्स। डिस्प्लेसमेंट हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, समझे कि नहीं। हाँ समझ गया, एक्स इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, क्लियर। अगर छोटा सा इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट लोगे ना उसमें भी एक्स चेंज हो रहा है, क्लियर। हाँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इज वेरिएबल एज इट डिपेंड्स ऑन एक्स, सो वी विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन, समझे। इंटीग्रेशन यूज कब करते हैं, बताता हूँ ठीक है। ये समझ में आया, फोर्स वेरिएबल है ये, समझे। हाँ जब मैं ए से बी तक लेके जा रहा हूं तो एक्स चेंज हो रहा है, हाँ एंड स्प्रिंग फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, फोर्स भी चेंज होगा, तो फोर्स भी चेंज होगा, क्लियर। हाँ है ना। अब देखो इंटीग्रेशन क्यों यूज करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कुछ नहीं, इंटीग्रेशन इज बेसिकली अ सम, ठीक। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो तुम क्या लिखते, के एक्स नॉट इनटू एक्स लिख देते, काम खत्म हो जाता। के एक्स नॉट इनटू एक्स नॉट लिख देते ना अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो। हाँ लेकिन फोर्स कांस्टेंट है क्या, नहीं है ना। नहीं समझे, नहीं कांस्टेंट है ही नहीं फोर्स, समझ कांस्टेंट नहीं, और हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। हाँ द फोर्स इज चेंजिंग एट एवरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। हाँ तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स टू द लेफ्ट वेयर एक्स इज द एक्सटेंशन, ठीक। हाँ कोई परेशानी नहीं। अच्छा और फोर्स, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूं मैं यहाँ पे, दिख रहा है ये dx, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हाँ कंसीडर, एक मोमेंट कंसीडर करो, जब पार्टिकल यहां से x दूरी पे है ना, नेचुरल लेंथ से। हाँ नेचुरल लेंथ से x दूरी पे है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx उसमें हुआ, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। x के बाद ना, हाँ x के बाद छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, kx पीछे की तरफ है ना, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा dx। स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180। वर्क नेगेटिव होगा, हाँ बस 180 इज माइनस वन, ठीक।
कोई दिक्कत इसमें, ये देखो तो छोटा सा वर्क आ गया, कितना कितना है देखो, छोटा सा वर्क माइनस के एक्स डीएक्स माइनस के एक्स डीएक्स, ये उस छोटे से इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन है। अब ये सारे ऐसे छोटे छोटे वर्क्स को मुझे क्या करना है, सम सम करना है, ऐड करना है, ऐड करना है मतलब इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना है। गुड, तो इसको इंटीग्रेट कर दो प्रॉपर लिमिट्स के साथ। ये देखो इधर दिख रहा है एक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी है, जब वो ए पे था तो एक्स कितना था, ए पे था एक्स जीरो था, एक्स जीरो था, जब बी पे गया तो एक्स कितना हुआ, एक्स नॉट, एक्स नॉट डाल दिया मैंने इधर, समझे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ओके, अब इसमें से के को बाहर खींच सकते हो, क्यों के कांस्टेंट है। यस, बच गया एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, अपर लिमिट एक्स नॉट, लोअर लिमिट जीरो, माइनस कर देना एक्स नॉट स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो वर्क डन आ गया मेरा, माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाय टू। कोई परेशानी इसमें नहीं। ओके, अब मुझे वर्क डन निकाल, तो वर्क डन मेरा कितना है, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ए से बी तक। कोई दिक्कत इसमें है ना, नहीं। स्प्रिंग फोर्स उल्टा लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है, इसलिए नेगेटिव वर्क आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। नहीं नहीं समझ। अच्छा, बी से कितना वर्क होगा बता सकते हो फिर। हाँ समझ, कितना होगा बताओ, बी से अगर वर्क निकालना हो, बी से ए, अब वापस बी से ए अगर मूव कर रहा है ब्लॉक, तो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगी। एक सेम ही वर्क होगा, बस पॉजिटिव होगा इस बार। हाँ सेम ही वर्क होगा, सेम वर्क होगा, बस पॉजिटिव होगा। नहीं पॉजिटिव क्यों होगा, कि x बाहर लगे प्लेसमेंट अंदर है। नहीं, स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, बी से ए जाने में पीछे जा रहा है, तो पीछे लग रहा है, पीछे मतलब स्प्रिंग फोर्स तो जब तक एक्सटेंशन है तब तक स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ ही लगेगा। हाँ स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट है। नहीं हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ है ना, अब बी से ए जाने में। क्या बी से ए मूव करने में डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ है क्या। हाँ स्प्रिंग फोर्स भी अंदर की तरफ है, तो वर्क डन क्या, स्प्रिंग फोर्स भी अंदर की तरफ है ना, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग अभी कैसा है, बी से ए मूव करने में अभी भी वो स्प्रिंग स्ट्रेस्ड ही है ना, एक्सटेंडेड ही है ना। हाँ स्प्रिंग अभी भी तो नेचुरल लेंथ से लंबा है ना, तो किधर किधर फोर्स लगाएगा, अंदर की बाहर। हेलो मिस्टर अरहम। हाँ सर एक मिनट एक मिनट। नेट में रेंज चला गया था इसलिए। मैं बोल रहा हूँ कि बी से ए जब मूव कर रहा है ठीक, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, अंदर अंदर की तरफ, स्प्रिंग अभी भी स्ट्रेस्ड है ना। हाँ और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ, तो वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना, तो बी से जो वर्क आएगा वो उतना ही आएगा बट पॉजिटिव आएगा, समझे। हाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो तो बी से वर्क हो गया हमारे पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, कोई परेशानी। देखो नहीं समझ गया,
चलो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है? चलो अच्छा, ये हम पे स्प्रिंग फोर्स ने टोटल वर्क कितना किया बताओ जरा, ए से बी और फिर बी से जीरो। हाँ जीरो किया गया। हाँ तो राउंड ट्रिप में वर्क कितना हुआ टोटल? जीरो। जीरो हुआ। ऐसी फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, समझे? मतलब डेफिनेशन क्या होगा उसका, जैसे अगर उसको सेम ऐसा होगा, अगर उसको कहीं से भी लेके फिर से आए तो उस पे टोटल वर्क डन अगर जीरो है तो वो कंजर्वेटिव है। हाँ मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन ये हुआ कि एक फोर्स ऐसा फोर्स जिसका राउंड ट्रिप में वर्क डन विल बी जीरो, ठीक? हाँ ओके। हाँ फोर्स व्हिच डज जीरो नेटवर्क इन अ राउंड ट्रिप। एक और चीज है खास बात कंजर्वेटिव फोर्सेस की कि उनका जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूं तुमको, समझे? ये छोटा सा एक ब्लॉक है, बॉल है एम, उसको नीचे लाया हम तीन तरीके से, ठीक है? वन टू थ्री दिख रहा है? तीन तरीके से नीचे ले आए, ओके? हाँ। अच्छा तो पहले वाले पार्ट में कितना वर्क होगा स्ट्रेट लाइन वाले में? MGH ग्रेविटी का वर्क, MGH। थर्ड वाले में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में वर्क सेम आएगा क्या? याद करो ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कांस्टेंट। हाँ सेम ही होगा, कांस्टेंट फोर्स है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना? याद है? हाँ। तो फोर्स कितना है mg डाउनवर्ड, तो मुझे सिर्फ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट देखना है। फोर्स अगर कांस्टेंट होता तो वो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ तो तीनों केसेस में वो mgh लिख सकता हूँ, mg into h, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब अपने को, और वर्टिकल h है। हाँ तो वर्टिकल तीनों केसेस में सेम वर्क आएगा mgh, कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी नहीं? नहीं समझ गया। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, समझे? हाँ ठीक है समझ गया। कोई दिक्कत नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होती हैं। आगे पढ़ोगे ट्वेल्थ में तुम, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, मान लो एक रफ सरफेस है, ठीक है? रफ सरफेस पे मैं एक ब्लॉक को ए से बी और फिर बी से ए लेके जा रहा हूं, ठीक? ए से बी जाने में फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे? और डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे? ए टू बी friction is acting to the left and displacement is to the right. तो work done by friction क्या आया? Negative आया? हाँ work done by friction negative होगा। अच्छा अब B से A लेके आओ, अब friction किधर लग रहा है? इधर right में। B to A friction is to the right, है ना? Displacement किधर है? Left। work done friction फिर से negative आया क्या? हाँ। तो राउंड ट्रिप का फ्रिक्शन का वर्क कुछ आया, जीरो आया क्या? नहीं और नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन नेगेटिव इन द राउंड ट्रिप, सो फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, समझे? हाँ आया समझ में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, क्लियर? तो फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो कब होगा? नहीं फ्रिक्शन का वर्क डन होता है कुछ कुछ केसेस में जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या सब पढ़ोगे जब रोलिंग हम लोग पढ़ेंगे ना, रोटेशन ये सब, तब।
ठीक है। चलो अब आता है पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, आज पूरा थियरी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स दूंगा मैं करने को, बाकी पार्ट टाइम में सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे अपन। ओके चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, ध्यान रहे, कंजर्वेटिव और इंटरनल। यस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जाता। ओके हाँ, और इंटरनल फोर्सेस तो पता ही है तुमको। हाँ, फोर्सेस जो कि सिस्टम के अंदर से एक्ट करते हैं, है ना। हाँ ओके, अब ये ध्यान रखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, इसको याद रखना। उल्टा होगा क्या? ठीक है, नेगेटिव क्यों होता है ऐसा मतलब? यस, जब कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगी ना तो पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है। इसलिए जैसे ग्रेविटी, एक छोटा सा एग्जांपल तुमको देता हूँ, ठीक है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक कुछ हाइट पे है, ठीक, और उसको वो थोड़ा सा नीचे आ गया, लेट्स से वो हाइट से थोड़ा नीचे आ गया, तो ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया, ब्लॉक नीचे आया थोड़ा सा, पॉजिटिव किया, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, है ना। हाँ, तो ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया। अब ये बताओ, पहले कॉन्फ़िगरेशन में उसका कैपेसिटी ज्यादा है किसी का सर फोड़ने का कि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में? पहले, पहले में ना, तो उसकी कैपेसिटी कम हुई ना वर्क करने की। हाँ समझे, पर वो फोर्स इंटरनल थोड़ी हुआ। हाँ, इंटरनल है नहीं, कौन सी फोर्स, ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहे। हाँ, तो ग्रेविटी इंटरनल फोर्स है क्योंकि मैंने वो ब्लॉक और वो अर्थ दोनों को सिस्टम ले रखा है, सिस्टम का पार्ट है, अर्थ को भी सिस्टम में इंक्लूड कर दिया, मतलब कुछ। हाँ ठीक है, समझे फिर? हाँ, नहीं समझे, समझ गया। इसीलिए ये याद रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द चेंज, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आया, समझे? हाँ, समझे, समझ गया, क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू आई सी। यू क्या है? यू इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, माइनस एफ डॉट डी आर। तो डी यू क्या हो गया? डी यू इज दिस, देखो इधर ध्यान से, इंटीग्रेट किया मैंने, डी यू इज इनिशियल वैल्यू ऑफ यू इज यू आई, फाइनल वैल्यू ऑफ यू इज यू एफ, यू एफ। ठीक है, इधर राइट हैंड साइड पे वही एफ डॉट डी आर, अपना आर इनिशियल से आर फाइनल, कोई दिक्कत इसमें? V क्या है उधर? हाँ V है, U है, U ये वाला ना, U है वो। हाँ हाँ, U है, U, V नहीं, ठीक चलेगा। पर U तो एनर्जी रहता है ना, और ये वर्क डन रहता है, आई मीन सेम रहता है, क्या को पता है? ये था ना अभी, ये रिलेशन हाँ, आया था ना, ये हमने बताया था ना कि DU is equal to minus DWIC। हाँ, तो DWIC को क्या लिखा मैंने? F dot DR लिखा ना। हाँ, इसी चीज को ये लिख दिया, समझे? हाँ, डी यू इज माइनस एफ डॉट डी आर, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब ये इसको इंटीग्रेट कर दिया, यू इनिशियल से यू फाइनल, और इधर इसको इसको राइट साइड में इंटीग्रेट कर दिया, कोई दिक्कत इसमें? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में, यस, कोई दिक्कत उससे मिल रहा क्या है हमें? बता रहो, रुको तो सही, ठीक है। हाँ, तो du का इंटीग्रेशन क्या होता है? u,
हाँ और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या आएगा, यूएफ माइनस यूआई आएगा, हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल, हाँ ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस माइनस एफ डॉट डी आर, आर इनिशियल से आर फाइनल। कोई परेशानी इसमें यहां तक? नहीं। ये हमको क्या दे रहा है, दिस गिव्स अस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? हाँ। ये हमको क्या दे रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हमको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, हाँ, तो हमको एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मतलब, मतलब वैल्यू, ये तो डिफरेंस है ना, ये तो डिफरेंस दे रहा है। हाँ नहीं समझे? हाँ ये डिफरेंस दे रहा है, तो ये दिस इज गिविंग यू द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। छोटा सा तुमको एग्जांपल देता हूँ, मैं बोल दूंगा कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है 5, समझे? ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। दो पॉइंट्स है जिनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है 5 जूल। हाँ अब चलो पहले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या हो सकता है, UI प्लस 5 कुछ भी। UI कितना है? कुछ भी ले सकते हैं UI को तो। हाँ तो फिक्स नहीं हुआ ना। हाँ भाई। और 10-15 भी हो, 10 भी हो सकता है, हाँ एक 10 एक 15 हो सकता है, एक 0 एक 5 हो सकता है, हाँ एक 5 एक 10 हो सकता है, नहीं समझे? समझ गया। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? नहीं उतना अच्छे से नहीं। अच्छा रुको मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से सुनो जो मैं कह रहा हूं। एक मान लो ये मेरा यू एफ माइनस यू आई, मतलब मैंने बोला कि दो पॉइंट्स हैं, हाँ दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है 5, हाँ ठीक, हाँ ओके, हाँ ठीक है समझ गया। एब्सोल्यूट तो अब वो क्या क्या हो सकता है, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी 5 5 और 10 भी हो सकता है, हाँ 6 और 11 भी हो सकता है, हाँ 7 और 12 भी हो सकता है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ ना कि किसी एक पॉइंट पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ नहीं समझे? समझ गया समझ गया। मतलब डिफरेंस तो 5 रहेगा, लेकिन अब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ इस बारे में। अब 7 भी हो सकता है, अगर एक पहला 7 है तो दूसरा 12 हो गया, दूसरा अगर 8 है तो दूसरा 13 हो गया, समझ में आई बात? हाँ तो इसलिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी, कहीं पे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा जहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 डिफाइन करूंगा, ठीक है? तो जहां पे इनिशियल ले रहे हो उसी को 0 मान ले तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एट द रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड एज 0, ठीक, क्लियर? हाँ इफ आवर इनिशियल पॉइंट इज द रेफरेंस, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, UF UI 0 हो गई। हाँ और चेंज UF हो गया, समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ अगर इनिशियल पॉइंट हमारा रेफरेंस है तो इनिशियल जहां पे रेफरेंस लेना है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने खुद से 0 डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो UI कितना आया? 0 0 आया, तो इस इक्वेशन में डालोगे तो UI 0 हो गया, UF क्या आया, सीधा सीधा आया ये, ठीक, कोई दिक्कत इसमें? बोलो नहीं, समझ में आ गया? हाँ चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तुमने पढ़ा ही होगा, MGH, हाँ कैसे आता है वो भी देख लेते हैं इस बार, है ना, थोड़ा 11th वाले मेथड से देख लेते हैं, 9th में तो पढ़ा होगा ना MGH। चलो ये रेफरेंस लिया मैंने, हाँ ग्राउंड को, सिस्टम क्या है, सिस्टम में इंक्लूड कर दिया मैंने ब्लॉक और अर्थ को, हाँ अर्थ को क्यों इंक्लूड किया सिस्टम में, समझ में आया, ताकि जीबी उसमें आ जाए अर्थ में, यस, ताकि जो ग्रेविटी है वो इंटरनल फोर्स बन जाए, और चूंकि मेरा पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, समझे,
हाँ वो यहाँ से लिखा हुआ ना, ग्रेविटी बिकम्स एन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एंड वी विल बी एबल टू डिफाइन अ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम. कोई दिक्कत? समझ गया. चलो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम. एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ ब्लॉक, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. क्यों? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है ना. अगर मैं बोलूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, इसका क्या मतलब है? मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम. समझे? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क. हाँ, मतलब एनर्जी पजेस्ड बाय अ सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन. हाँ, नहीं समझे? समझ गया. अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक. चलो, तो एक काम करते हैं, ए से बी लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को. ठीक है. हाँ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी. चलेगा? ये तो पहला ही डेफिनेशन जो तुमको सिखाया था. हाँ, अभी थोड़ी देर पहले, है ना. हाँ, अब रेफरेंस कहाँ ले लिया मैंने? ग्राउंड पे. हाँ, तो इनिशियल जीरो हो जाएगा. यू ए जीरो हो गया. हाँ, यू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब ग्रेविटी कैसा वर्क कर रहा है नीचे से ऊपर जाने में? नेगेटिव. नेगेटिव माइनस एम जी एच, तो माइनस ऑफ माइनस एम जी एच. समझ में? पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी हो गई? एम जी एच. एम जी एच आया समझ में? नहीं. अच्छा, अगर मैं बी को रेफरेंस मान लिया होता मैंने, हाँ, तो यू बी क्या होता? जीरो. हाँ, यू बी जीरो हो जाता, ये वाला टर्म जीरो हो जाता. हाँ, और फिर आता माइनस यू ए इज इक्वल टू एम जी एच. सही है. हाँ, यू ए इज इक्वल टू क्या आता? माइनस एम जी एच. देखो, हाँ, माइन. हाँ हाँ, नहीं समझे? समझ गया. तो अब तुम देख रहे हो एक चीज की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है किसी भी पॉइंट पे, वो रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है. जैसे मैंने रेफरेंस पहले ग्राउंड लिया था, और अगर हम ए और बी का मिड पॉइंट ले ले तो भी चलेगा, तो भी कोई इशू नहीं है. लेकिन फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी. हाँ, ठीक है. तो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स का, वो सेम रहेगा. डिफरेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द रेफरेंस, बस एब्सोल्यूट मिलने के लिए रेफरेंस डिफाइन. यस, यू बी माइनस यू ए इज ऑलवेज एम जी एच, वट एवर रेफरेंस यू टेक. अगर तुम बी को रेफरेंस ले लोगे तो ए उससे एच हाइट नीचे है, तो ए का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस एम जी एच. हाँ, नहीं समझे? समझ गया. तो ये ध्यान रखना, कंक्लूजन ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस, वेयर एज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस. क्लियर? समझ गया. हाँ, कोई दिक्कत इसमें? नहीं है ना. हाँ, चलो, अब आता है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन. बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है, उसको देखना. हमको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सब कुछ. हाँ, जितने भी फोर्सेस थी सबका वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब इसमें सब कुछ आएगा, एक्सटर्नल भी आएगा, इंटरनल भी आएगा. हाँ, मानते हो? हाँ. अच्छा, अब जो इंटरनल फोर्सेस है वो दो तरीके से हमने डिफाइन कर दिया, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव. एक नॉन कंजर्वेटिव. तो कंजर्वेटिव का जो वर्क डन है वो तो माइनस डेल्टा यू है. हाँ, क्या अभी देखा था ना हम लोगों ने? हाँ, वो.
du equal to minus dwic. du is equal to minus dwic. अब इसको डेल्टा यू को उधर लेके जाते हैं, ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, ठीक. वो क्या बन रहा है, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू आई एन सी इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू. हाँ, अब K प्लस U को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दोनों का सम. ओके, ठीक. हाँ, तो हमारे पास ये आता है W एक्सटर्नल प्लस W INC इज इक्वल टू डेल्टा E. कोई परेशानी इसमें नहीं? एक सेकंड, देखो ध्यान से. इस K प्लस E को मैंने K प्लस U को E लिख दिया. मेरे को समझ गया, मतलब वो ज्यादा सेंस नहीं बना रहा, मतलब समझ नहीं रहा उसको, मतलब कैसे आया वो समझ गया, पर वो ज्यादा सेंस नहीं बना रहा ऐसा लग रहा है मेरे को. कौन ये नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो? हां, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुमको समझेगा अभी, ठीक है. अभी बस तुम बस देखते जाओ, अभी बस थ्योरी कर रहे हो आज, ठीक है. हां, वो प्रॉब्लम्स करने में अभी तुमको मदद करेगा काफी, ठीक है. हां, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम को ही एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका है. ओके, हां, वर्क एनर्जी थ्योरम में कहीं हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करी थी ना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी. हां, अब हम पोटेंशियल प्लस काइनेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक. हाँ, which is known as mechanical energy of the system, okay. हाँ, capital E, है ना? तो यहाँ से हमको ये formula आया, W external plus W INC is equal to delta E. समझ में आया ये? हाँ, एक महीने बाद किया है वो starting. पक्का? हाँ, बोलो. हाँ, समझ गए. ओके, तो दिस इज अनदर वे टू एक्सप्रेस द वर्क एनर्जी थ्योरम. कोई दिक्कत इसमें? समझ गया. चलो, लेट्स टेक द स्पेशल केस व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट डूइंग एनी वर्क. मतलब बाहर से कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, और हाँ सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है सिस्टम में, ठीक है. External, internal non-conservative forces are not doing any work. Okay? बराबर. मतलब W external भी zero, W INC भी zero. ठीक? हाँ. तो delta E क्या हो जाएगा? Zero. Zero. और delta E तो E same रहेगा पूरा time. Delta E zero मतलब E remains constant or conserved. This is my principle of energy conservation. समझ गए? हाँ. इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल. कोई दिक्कत इसमें? बताओ. नहीं, समझ गया. समझ गए? हाँ. पक्का? हाँ. ओके. जैसे कोई सिस्टम होगा तो हमें समझेगा कैसे कौन से फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है, कौन से कंजर्वेटिव. अभी अभी अपने लिए सिर्फ फ्रिक्शन ही नॉन कंजर्वेटिव है. अभी जब तुम 11th के क्वेश्चंस करोगे ना, अभी हमारे पर्पसेस के लिए फ्रिक्शन विल बी नॉन कंजर्वेटिव. हाँ. ओके. हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुमको. जैसे मान लो एक एक बॉल है, है ना, बॉल है जो कि हाइट h पे रखा हुआ है. हाँ, ठीक है, उसको वहां से छोड़ देंगे. हाँ, है ना. हाँ, तो ग्राउंड पे आने के बाद कितनी एनर्जी होगी उसकी, कितनी स्पीड होगी? जीरो. नहीं, ग्राउंड पे आने से जस्ट पहले, जस्ट पहले कुछ तो v होगी. v होगी ना, रूट टू जी एच नहीं होगी? हाँ, रूट टू जी एच होगी, जी टी वी होगी. हाँ, रूट टू जी एच होती है ना, अगर एच हाइट से उसको छोड़ दिए. हाँ, तो उसको तुम एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत आराम से निकाल सकते हो. ब्लॉक बॉल और अर्थ को सिस्टम लिया मैंने, ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूँ, ठीक. बॉल और अर्थ को सिस्टम लिया,
ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव, इंटरनल कंजर्वेटिव बन गया ग्रेविटी। हाँ, बाहर से सिस्टम पे कुछ फोर्स है क्या? बॉल छूट जाए? नहीं नहीं, जो भी वो तो ग्रेविटी है। हाँ, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स है क्या? फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन इग्नोर कर दिया मैंने। इंटरनल नहीं, ग्रेविटी अकेला फोर्स है ना, सिर्फ एक ही फोर्स है। हाँ, मतलब W एक्सटर्नल जीरो है, मानते हो? W एक्सटर्नल जीरो है। हाँ, W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव भी जीरो है। हाँ, मानते हो? हाँ, यानी कि डेल्टा E जीरो। हाँ, E रिमेंस कांस्टेंट। E रिमेंस कांस्टेंट। हाँ, यानी कि अब ग्राउंड को रेफरेंस ले लो आप, ठीक, सुनना ध्यान से। ग्राउंड को रेफरेंस लिया तो इनिशियली कितने हाइट पे है वो? एच, एच हाइट पे। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास? एमजीएच, एमजीएच। काइनेटिक एनर्जी कितनी है अभी जस्ट रिलीज किया तो? जस्ट कुछ तो भी होगी, जीरो। हाँ, लेकिन रिलीज कर दिया ना, नहीं रिलीज करने के जस्ट बात बोल रहा हूँ। जीरो की होगी काइनेटिक एनर्जी, थोड़ी बहुत होगी ना? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट जीरो होगी ना, रिलीज करने के जस्ट बाद, ठीक है, जीरो के बाद। हाँ, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई इनिशियली जब उसको छोड़ा गया? पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच। हाँ, वहां से नीचे आया वो, नीचे आया ग्राउंड को स्ट्राइक करने के जस्ट पहले, ठीक है, तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई जस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी दोनों को इक्वेट कर दे, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh आएगा, वी इक्वल टू रूट ऑफ 2gh आएगा। करेक्ट, आया समझ में? हाँ, यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। वो दिक्कत नहीं।